नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चला है। मैं होस्ट द सुप्रियो, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर व्लॉग। तो आज मेरा बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग है, तो मैं आज जाऊंगा बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए। तो देख सकते हैं मेरा बाइक ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर चल चुका है। तो फर्स्ट सर्विस 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा बाइक का सर्विसिंग करवा लेता हूँ, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है तो बाइक का कंडीशन ख़राब होने वाला है शायद। तो बेटर अभी करवा लेते हैं, फिर बाद में राइड में जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी अपलिफ्ट होने वाला है। 16 जून से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद राइड पे जाएंगे। तो उसके लिए बाइक को तैयार करते हैं और जाते जाते आप लोगों से बात करें। तो बाय। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लॉकडाउन है, मगर ट्रैफिक एकदम भड़के है यहाँ पर। अभी तक मेरे को 9:30 पे पहुँचना था, तो ऑलमोस्ट 9:30 यहाँ पे हो चुका है। तो कम से कम मेरे को और 45 मिनट्स तो आराम से लग जाएगा। देखते हैं ट्रैफिक और आगे कितना मिलता है। क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है आपको क्या बताऊं। लॉकडाउन है फिर भी, कल बाद परसों शायद लॉकडाउन अपलिफ्ट होगा 16 जून को। तो देखते हैं सिनेरियो कैसा रहता है, राइड पे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। तो अभी के लिए निकला हूँ मैं सर्विसिंग के लिए। बाइक में इतना प्रॉब्लम है नहीं, बाइक स्मूथ चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा चला है नहीं, बस 380 किलोमीटर ही चला है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 1 महीने के ऊपर हो गए, 2 महीना हो चुके ऑलमोस्ट परचेस किए हुए, तो बेटर अभी करवा लेते हैं सर्विसिंग। क्योंकि इसके बाद मान लीजिए डायरेक्ट पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बाइक एकदम तैयार रहेगा, कोई इश्यू आएगा नहीं। ज़्यादा नहीं, 40 किलोमीटर तो मैं 70 के ऊपर नहीं चलाऊँगा, मिनिमम 70 रखूँगा मैं। ठीक है, देख सकते हो वेदर बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है, क्योंकि लास्ट 1 वीक से बहुत ही बारिश हो रहा है कोलकाता में, मतलब कोई भी एक टाइम में बारिश हो रहा है। ये देख सकते हैं एक 125 cc मेरे से ओवरटेक करके चला गया, चलिए जाने देते हैं, उसका स्पीड ज़्यादा है मेरे से। ये देखिए पल्सर 220 में क्रॉस करके चला गया, कोई नहीं, इनको मज़े लेने देते हैं, हम भी भगाएंगे जब टाइम आएगा। तो अभी भगाने का फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सर्विसिंग अच्छे से हो जाए, थोड़ा और बाइक पुराना हो जाए, देन भगाएंगे, 100 के ऊपर जाएंगे, और वो भी सिटी में 100 में फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप चलाएंगे 100 के ऊपर तो यहाँ पे तो पकड़ने वाला है ही पुलिस, क्योंकि मैक्सिमम हर जगह पे 50 के ऊपर जाना अलाउ है नहीं, मैक्सिमम मैं हर जगह देखता 40 स्पीड लिमिट रहता है। तो बेटर बी सेफ, ओवर स्पीडिंग करना सही नहीं है। चलो चलो भाई, ट्रैफिक नियम मानकर चलिए। हाँ ये बहुत ही ज़रूरी है, ट्रैफिक नियम फॉलो करना। हॉर्न मारो, चलो मार देते हैं हॉर्न। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर की तरफ। तो देख सकते हैं ये जो पीछे है ये सर्विस सेंटर है। तो मेन शोरूम के पास में और एक इन लोगों का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे ही सर्विस होता है और यहाँ पे भी सर्विस होता है। तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो चुका हूँ, तो क्योंकि बारिश बहुत हो रहा था मेरे को रुकना पड़ा, और मैंने GoPro कैमरा अंदर रख दिया था, क्योंकि मेरा इलाका बहुत ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं अंदर जाके बात करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं और जल्दी से अपना सर्विस शुरू करते हैं। तो मैं जस्ट अभी आके स्विच हुआ ने उन्होंने बोला कि बाइक अंदर रखने के लिए मेरे से अपना जो सर्विस बुक है वो लिया, अभी तक कोई प्रोसीजर स्टार्ट हुआ नहीं। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे आगे बहुत ही बाइक है, तो शायद ये टाइम लग सकता है। और ये देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं अंदर जाके अपना जो सर्विसिंग है वो देख सकता हूँ। तो देखते हो कैसे ये लोग इंटरटेन करते हैं, वो सर्विसिंग अच्छा हो।
तो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि फ़र्स्ट सर्विस मेरा हो चुका था, मगर मेरे को टाइम मिला नहीं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो चुका था। लगभग सर्विस ख़त्म हुआ 6 बजे के आसपास, तो बाइक चेक करते करते 6:30 के आसपास हो ही गया था। तो उस दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी उसके बारे में बात करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस जो मेरा था वो कैसा हुआ। मैं बोलूँगा फ़र्स्ट सर्विस ठीक था, नॉर्मल जो रूटीन वर्क रहता है गाड़ी का वही किया उन्होंने, जैसे सर्विस ऑयल चेंज करना, एयर फिल्टर चेंज करना और नॉर्मल गाड़ी को धोना, ये सभी था, और कुछ था नहीं। और मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं बाइक में, छोटे छोटे माइनस इश्यूज थे, जैसे गियर शिफ्टिंग में कभी कभी आवाज़ होता था, वो हर टाइम नहीं, कभी कभी होता था। तो मैंने उन्होंने बोला तो उन्होंने ठीक करके दिया है मेरे को, और कुछ था नहीं लगभग। मगर एक चीज़ जो है वो मैंने फेस किया, फेस में मेरे को मिला एक्चुअली में, वो था कि मेरा जो हेडलाइट है उसमें वाटर वेपर एक्युमुलेट हो रहा है, पता नहीं बारिश के कारण हो रहा है। तो मैंने जो सर्विसिंग के टाइम पे अपना देखा यहाँ पे पानी है, तो मैं तुरंत जो सर्विस प्रोवाइडर थे वहाँ पे उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने फ़ोटो लिया, तो बोला ठीक है सर आपका ये वारंटी के अंदर है तो ईज़िली रिप्लेस हो जाएगा, मगर अभी के लिए एट दिस मोमेंट हमारे पास स्पेयर पार्ट्स है नहीं, तो लगभग इसको 15-20 दिन लगेगा, तो ये अप्रूव्ड होगा देन स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहेगा तो वो लग जाएगा। तो देखता हूँ कब तक अप्रूव होता है। तो ये चीज़ मेरे को लगा नहीं होना चाहिए था, मगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और फर्स्ट सर्विस होने के बाद बाइक बहुत ही खुला है, बहुत ही अच्छा है, उसका जो रिस्पॉन्स था पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, गाड़ी का पिकअप भी ठीक है। और नॉर्मली जो फर्स्ट सर्विस रहता है उसमें कुछ खास रहता है नहीं, इस लॉकडाउन में मैंने ज़्यादा चलाया भी नहीं। फिर से ट्रैफिक। तो लॉकडाउन में मेरा सर्विस आपने देखा था 380 किलोमीटर के आसपास था जब मैं लेके जा रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और मैंने चलाया, तो 410 के आसपास मेरा वहाँ पे सर्विसिंग हुआ है। तो ठीक है, क्या कर सकते, अभी लॉकडाउन है, बाइक कहीं भी ले गया नहीं मैं, तो ऐसा ही था। हमारे हाथ में है नहीं बाइक चलानी, 1 महीने के ऊपर हो गए, 1.5 महीना हो गया ऑलमोस्ट, तो ठीक है चलो करवा लेते हैं। मैं सोचा था इस संडे लॉकडाउन सब ख़त्म हो जाएगा तो संडे निकलूँगा राइड पे, मगर वो भी पॉसिबल हुआ नहीं। तो ठीक है, अब कर ही कह सकते हैं, लक बहुत ही ख़राब चल रहा है मेरा, मगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकली ये बाइक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मिनिमल इश्यूज हैं जो एक्चुअल में इशू है नहीं, जैसे बाइक का वही है गियर शिफ्टिंग, फिर बाइक का हीटिंग इशू मेरे को लगा नहीं। और क्या क्या था बाइक में जैसे मैंने फेस किया, और था जैसे मिरर एडजस्ट करवाया मेरा, फिर उन्होंने चेन लूप करके दिया, चेन तो मैंने पहले ही लूप किया था क्योंकि मैंने दोस्त से करवा लिया था गाड़ी आने के बाद ही, तो फिर उन्होंने अच्छे से किया। और चेन एडजस्टमेंट था वो तो मेरा चेन लूज़ हुआ नहीं, चला नहीं तो लूज़ कैसे होगा, तो चेन एडजस्टमेंट माइनर थोड़े बहुत उन्होंने टचअप किया और कुछ था नहीं। और एक चीज़ था जो मेरा बाइक का टेफ्लॉन कोटिंग होने वाला था वो हुआ नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण जो टेफ्लॉन कोटिंग करने वाले आते वो है नहीं, तो टेफ्लॉन कोटिंग हुआ नहीं। तो जब टेफ्लॉन कोटिंग के लिए बुलाएंगे एक बार, तो मेरे एक टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो लगभग 800 रुपये का है, तो पेंडिंग है। तो ठीक है, बारिश तो रुकने वाला है नहीं, ऐसे ही चलेगा पूरा टाइम। तो ठीक है, एक दिन जब ये होगा, मैं जब आऊँगा तब मैं लेके जाऊँगा बाइक को, टेफ्लॉन कोटिंग कराएंगे। और एक चीज़ है, इसका प्लास्टिक बॉडी होने के कारण बाइक में बहुत इजीली स्क्रैचेस आ रहे हैं, मगर पता नहीं बाइक में हाथ रखो तो इजीली स्क्रैच आ जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। मतलब आप मैं हाथ रखूँ या कुछ भी हल्का सा भी कुछ चीज़ रखूँ, स्मज आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है। तो शायद मैंने उन्होंने दिखाया, बोला टेफ्लॉन कोटिंग से ये चला जाएगा, तो देखते हैं टेफ्लॉन कोटिंग कराने के बाद इम्प्रूव होता है कि नहीं। तो ये बोलूँगा बाइक बहुत ही सही है,
और फर्स्ट सर्विस होने के बाद बाइक का परफॉर्मेंस जो है और मेरे को अच्छा लग रहा है, चलाने में स्मूथ है। और एक चीज़ है, पहले सर्विस तक गाड़ी 70 के ऊपर मत भगाएगा, तो मैंने उनसे पूछा अभी मैं गाड़ी कितना भगा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी चाहे तो आप भगा सकते हैं थोड़ा। और बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग लगभग ठीक ठाक ही हुआ है, कम प्राइस में भी हुआ है, क्योंकि मेन जो इसका लगा पैसा वो इंजन ऑयल का था, तो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइस कैसा किस में लगा है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट ठीक था, विद इन माई बजट, विद इन 2000 था। और अब जो सर्विस होगा वो ऑलमोस्ट साल के एंड में होगा, दिसंबर में उन्होंने टाइम दिया है, तक तब तो मैं रहूँगा नहीं, तो और बाइक चलने भी नहीं वाली, क्योंकि मैं चला जाऊँगा बाइक मैक्सिमम 600-700 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने वाला। तो देखा जाए तो टेक्निकली मेरा जो सेकंड सर्विस रहेगा वो पूरा नल एंड वॉइड रहेगा, क्योंकि बाइक चलेगा नहीं ज़्यादा। तो बाइक का जो प्रॉब्लम था फर्स्ट सर्विस में सॉल्व लगभग हो चुका है, देखते हैं बाइक चलाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बाइक का जो प्राइस था सर्विसिंग में वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर डाल के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इतना ही खर्च हुआ मेरा, ज़्यादा आया नहीं, लगभग 1761 के आसपास या 51 के आसपास मेरा पड़ा सर्विसिंग। अगर आप चैनल में नए तो पता है क्या करना रहता है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए, तो नए नए वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसे लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। और अभी कोरोना का टाइम है, घर पे रहेगा, सेफ रहेगा, अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जो डोमिनार ओन करते हैं फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट कितना है शायद उनके वो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, वीडियो यहाँ पर बंद करते हैं।